नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता खंडेकर एमएनएस न्यूज लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर। सबरीमाला में दर्शन के लिए 550 महिलाओं ने कराया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बीजेपी के विरोध के बावजूद कर्नाटक सरकार मना रही है टीपू जयंती, धारा 144 लागू। अब खबर विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के तिकुन गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार सुबह मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया गया। सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन में घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया। इसी दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने जैश के पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया था। इसमें एसओजी का एक जवान भी घायल हुआ था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सबरीमाला मंदिर में 16 नवंबर से शुरू हो रहे त्योहारों के दौर में दर्शन के लिए अब तक प्रतिबंधित 10 से 50 वर्ष की उम्र के वर्ग के कुल 550 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। देवासम बोर्ड के अनुसार शुक्रवार तक करीब 3.5 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन के लिए केरल पुलिस सुविधा केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें 10 से 50 वर्ष की उम्र वर्ग की 550 महिलाएं शामिल हैं। भगवान अयप्पा मंदिर में अक्टूबर और नवंबर में मंदिर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों ने 10 से 50 वर्ष उम्र की 15 महिलाओं को प्रवेश करने से रोक दिया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने 28 सितंबर को अपने आदेश में सभी उम्र वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति प्रदान की है। आगामी 13 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय सितंबर के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार आज टीपू जयंती मना रही है, हालांकि उसे इसके लिए भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी खुलकर टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का विरोध कर रही है। स्वास्थ्य कारणों से मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अपने को इस समारोह से अलग कर लिया है। उनकी पार्टी जनता दल सेकुलर भी समारोह से दूरी बनाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री अनिल विज इन्होंने ट्वीट करके कहा है, कांग्रेस आज लाखों हिंदुओं के हत्यारे और माई बाप टीपू सुल्तान का श्राद्ध कर रही है। बीजेपी और दक्षिण पंथी संगठन कांग्रेस के इस कार्यक्रम का जोरदार विरोध कर रहे हैं। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।